Assalamualaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video. This video is about Lahore Smart City Walking Tales Episode 5. और इस वीडियो में आपको जो लाहौर स्मार्ट में कनाल की स्ट्रीट्स हैं जो डेवलप हो रही हैं या डेवलप हो चुकी हैं उसके बारे से बताऊंगा. अब बेसिकली मैं कनाल की पहली स्ट्रीट पर खड़ा हूँ, सेक्टर ए की. और सेक्टर ए की जो पहली स्ट्रीट है, एक साइड से कनेक्टिविटी आपको इस रोड से मिलती है जो मेन C1 रोड है, जिसका एक्सेस रोड जिसके अंडरपास बन रहा है उससे कनेक्टिविटी डायरेक्ट है. और इस साइड से कनेक्टिविटी आपको इधर से मिलती है. ये रोड की कारपेटिंग अभी बेसिकली कॉम्पैक्शन हो रही है और उसके बाद इसकी कारपेटिंग कर दी जाएगी. और इसके साथ पहली तरफ आपको रेलवे लाइन का ट्रैक मिलता है और साथ मेन रेलवे लाइन के साथ साथ चार मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा. अब इस वीडियो में बेसिकली जो कनाल के प्लॉट्स हैं उसके वाले से बताने का मकसद ये है, कनाल के प्लॉट्स जो हैं जिनका पोजेशन मार्च 2022 में हैंड ओवर किया जा रहा है उसके हवाले से. अब ये कुछ आपको मेसनरी वर्क यहाँ पर नज़र आ रहा होगा. यहाँ पे चूंकि साइट पे मोस्ट प्रॉब्ली जो 50-70% प्लॉट्स हैं जो कनाल के हैंडओवर होंगे उन पे विलास कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, यानी सोसाइटी की तरफ से इटसेल्फ उसको डेवलप किया जाएगा. तो कनाल के प्लॉट्स बड़े लिमिटेड क्वांटिटी में होंगे. अगर आपने, अब अगला सवाल ये आता है कि मुझे कनाल के प्लॉट का पोजेशन लेना है, मैंने कनाल का प्लॉट खरीद रखा है तो उसका तरीकाकार क्या है. कनाल के प्लॉट का पोजेशन लेने का जो तरीकाकार है बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपने लमसम 100% से बुकिंग करवाई है तो सोसाइटी आपको प्रेफरेंस पे प्लॉट की ऑप्शन देगी. आई थिंक लोकेशन चूजिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल होगी. सेकेंड, वो मेम्बरान जिन्होंने 100% से बुकिंग नहीं कराई, 10% या 20% से करवाई है, वो अगर अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं सेकेंड प्रायोरिटी उनको मिलेगी कि वो लोग भी अपने प्लॉट की पोजीशन लेके अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. क्योंकि लॉर्ड्स मार्केट की साइट पे जिस तरह आपके प्लॉट अभी जिन्होंने 100% पेमेंट की हुई है तो डेफिनेटली दे आर द मोस्ट डिजर्विंग वन टू गेट द पोजीशन, तो उनको पहले पोजीशन मिलना उनका हक है. तो इसलिए साइट उनको पहले पोजीशन दे भी रही है. ये आप सीवरेज की लाइन देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी सीवरेज की लाइन बिछाई जा चुकी है. और सीवरेज की लाइन के साथ साथ एक मॉडर्न चीज़ जो है, ये आपको ब्लैक कलर की जो केबल नज़र आ रही है, ये केबल. अब ये अंडरग्राउंड जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो ऑप्टिकल फाइबर है वो भी यहाँ पे हर प्लॉट के लिए, हर मेंबर के लिए जो यहाँ पे अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करेंगे उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा. अब इस साइट पर इंतहाई तेज़ी से काम हो रहा है, मशीनरी हर तरफ फैली हुई है और हर तरफ काम बड़ी तेज़ से हो रहा है. मोस्ट प्रोबेबली अभी अगले 3 महीने ऑनवर्ड देखें तो साइट हर 6 महीने बाद किसी एक सेक्टर का पोजीशन हैंड ओवर करती रहेगी. क्योंकि लेवल साइट है, जितना स्ट्रेचर है वीर फीट लिमिटेड का उस हिसाब से देखें तो उनके लिए डेवलपमेंट को बड़ी काम नहीं है, बड़ा मुश्किल एक्टिविटी नहीं है. मेरे ख्याल इसको बड़ा आसानी से मुकम्मल कर लिया जाएगा. यहाँ पे हर प्लॉट के सामने जो प्लांटेशन होती है वो भी कम्प्लीट है. बेसिकली एक ट्री प्लांट किया गया है, हर प्लॉट दो दो ट्री बेसिकली. तो ये बैक साइड पर अगर देखें तो स्ट्रीट लाइट्स का लगना, यानी हर सेक्टर के अंदर, हर स्ट्रीट के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उन पर मुकम्मल हो गया काम. अब चलते हैं दूसरी साइड पर. अब यहाँ पे एक जो बड़ी अच्छी एक्टिविटी नज़र आई है मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी में और लाहौर स्मार्ट सिटी में, वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ पे जैसे यहाँ पे भी लाहौर स्मार्ट सिटी में रिहायशी अभी कोई नहीं रहता, यानी कोई किसी बंदे ने घर स्टार्ट नहीं किया. सोसाइटी की तरफ से ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है कि आप इतने टाइम में स्टार्ट करें, सो फार एंड सो ऑन. लेकिन सोसाइटी जैसे लाहौर कैपिटल स्मार्ट सिटी में किया था, रिहायशी एक नहीं है, मस्जिद बना दी थी वहाँ पर, स्कूल बन गया है और हॉस्पिटल जो है उस प्लॉट पर काम हो रहा है अभी. इस तरह यहाँ पर भी ओवरहेड वाटर टैंक, इस साइड पर देखें सेक्टर मॉस्क और पार्क, ये तीन चीज़ें जो हैं, मॉस्क भी स्टार्ट हो गई है, ओवरहेड वाटर टैंक तो आई थिंक 80-90 फीट की हाइट पे भी चला गया है जो आपको दूर से नज़र आ रहा है. मैं काफ़ी डिस्टेंस पे खड़ा हूँ तो फिर भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि अभी कितना इसका वहाँ पे काम हो चुका है. और ये सेक्टर ए में नहीं आता लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको बड़ी तेज़ी से कम्प्लीट किया गया है. तो ये ओवरऑल एक कनाल की जो पहली स्ट्रीट थी जहाँ पे प्लॉट्स होंगे, यहाँ पर विलाज नहीं बनाए जा रहे कुछ, यहाँ पर एंड पे शायद फेसिंग उस साइड कुछ विलाज हों लेकिन यहाँ पे शुरू में सारे प्लॉट्स होंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट थी. जिन मेंबरान ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनके लिए फॉलोअप था कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टैंड करती है. सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे. अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हवाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए. खुदा हाफिज़.